हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ तनु सैनी। आज हम पढ़ेंगे AIAPGET 2017। इसमें हम पहले पढ़ेंगे चरक चिकित्सा। इसमें 32 क्वेश्चन आए थे। पहला क्वेश्चन है कि पुरुष वेग धारण करने से कौन कौन से लक्षण उत्पन्न होते हैं। तो इसमें लिखा है कि पक्वाशय, शिरशूल और पीड़िका उद्वेष्टन ये होते हैं। नेक्स्ट है मय मस्ति संधि कौन से रोग मार्ग से संबंधित है। तो वो है मध्यम रोग मार्ग से। नेक्स्ट है कि कौन सा व्यापद की चिकित्सा तर्क अरिष्ट का निर्देश किया है। तो उसमें इसने व्यापद वस्ती है। नेक्स्ट अमाशयगत वात वृक्ष पूर्वक स्वेदन, पक्वाशयगत वात में स्निग्ध पूर्वक स्वेदन ये क्या है, सही है या गलत है। तो ये बिल्कुल सही है। चरक सूत्र 14/19 में कहा है। तो चरक के अनुसार ग्रदसी के कितने भेद बताएं, दो बताएं, वातज और वातज कफज। फिर संतर्पण जन्य व्याधि कौन कौन सी है, तो प्रमेह, पांडु, मूत्रग्रज। सभी शीरों में अहितकम कौन सा है, तो अविशीर है। जैसे हम गधे का दूध जो होता है वो अहितकम है, सबसे अच्छा जो होता है वो गोदुग्ध होता है, गोशीर जिसे कहते हैं। सुख विरेचन जो है वो त्रिव्रत है। पथ्यतम द्रव्य जो होता है वो हरित की होता है। तित्तरस द्रव्यों में किसकी महाभूत की प्रधानता होती है, तो वायु और आकाश की होती है। सर्दी में अगर हम वर्मन कारक मदन फल का प्रयोग करते हैं तो कौन सा ऑप्शन है, तो व्याधि विपरीतार्थकारी है। प्राणवय श्रोतस का मूल क्या है, हृदय और महाश्रोतस। कौन सी अग्नि सर्व उपचार सह मानी जाती है, तो वो तीक्ष्ण अग्नि है। चिकित्सा के संदर्भ में औषध को क्या माना गया है, तो करण माना गया है। आचार्य के चरक के अनुसार दशविध परीक्षय भाव में कार्य योनि शब्द का क्या निर्देश है, तो वो धातु वैष्णेय है। दशविध परीक्षा प्रयोजन का क्या मतलब बताया है, आयु प्रमाण होता है, बल दोष प्रमाण ज्ञापन। असाध्य रक्तपित तब होता है जब मंदग्नि हो और अतिवेग हो। छीन मूला विध्यंते ये किसका लक्षण बताया गया, सैत्विक गुण का बताया गया। यहाँ पर हमने पूरा श्लोक लिखा है। सैत्विक गुण मोक्ष सिद्धांत न चाहिए रुका। नेक्स्ट है रक्त गुण की चिकित्सा से रक्त प्रवृत्ति प्रारंभ ना हो तो वेदन का निर्देश किसने दिया है, तो चरक ने दिया है। तैल रक्त नाम हत शोरो मनसा संप्रबोधनम ना आया था, इसने पूछा था कि किसका चिकित्सा सिद्धांत अपस्मार का है, हमने पूरा श्लोक लिखा है। तीक्ष्ण औषधों भीषक उद्यांत कर्म भी वमन आदि भी, तो इसमें हमें तीक्ष्ण चिकित्सा करनी चाहिए। सर्वात्मा परिणमन किसका पर्यायवाची है, तो शीर दधि न्याय का है। हलिमंग व्याधि उत्पत्ति में किसका कौन कौन से दोष प्रधान होते, तो वो वात और पित्त होते हैं। किस व्याधि में अगस्त हरित की का निर्दिष्ट नहीं है, तो पांडु बने की पांडु में तो नवयस लोह होता है। कर्दम विसर्ग की चिकित्सा में किन दोषों का ध्यान रखा जाता है, तो पित्त कफ है। यहाँ पर हम थोड़ा बताते हैं कि आग्नि अगर विसर्ग होगा तो फिर वात और पित्त होगा, अगर ग्रंथि विसर्ग है तो वात और कफ होगा। नेक्स्ट है विष चिकित्सा हेतु निर्दिष्ट नहीं है, वो आकर्षण नहीं है। नेक्स्ट अनुतर्ष का प्रयोग किस व्याधि की चिकित्सा में निर्दिष्ट है, तो वो मदाक्य है। अनुतर्ष का मतलब क्या होता है कि प्यास लगने के बाद जो मद्यपान करते हैं उसे अनुतर्ष कहते हैं। नेक्स्ट उदावर द्वारा ना होने वाली व्याधि कौन सी है, तो वो कुष्ठ है। नेक्स्ट अंतर्मुखी योनि व्यापक में कौन सी धातु वृष्टि मिलती है, तो वो अस्थि मांस की होती है। किसका प्रयोग वमन कर्म में कफ विलयन विच्छेदन के लिए किया जाता है, मधुसैंधव होगा। अभुक्ते च प्रणित अस्थि किसके संदर्भ में है, मतलब उसमें खाना पीना नहीं होता, उससे पहले हमें करनी होती है, बस वो इसमें बसती है। मृदुकोष्ठ एवं अबल व्यक्ति अगर अतिष्ण अति तीक्ष्ण वस्ती लेता है तो उसे हिंसा रोग होता है, ये उसका उपद्रव है। उष्णता नाम शीतार्थ शीतार्थ नाम तटस्थकोष्ण च किसके संदर्भ में, तो वस्तीकरण के संदर्भ में है। अब हम पढ़ेंगे सुषुप्त संहिता। इसमें से 25 क्वेश्चन आए थे। पहला क्वेश्चन है कि चक्रपाणि के द्वारा सुषुप्त संहिता में कौन सी टीका लिखी गई, तो भानुमती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीज चतुष्टय शब्द क्या तात्पर्य है इसका मतलब, तो इसमें चार शब्द आते हैं पुरुष व्याधि भेषज और क्रियाकाल। नेक्स्ट है कि सिरा और स्नायु में जो शल्य प्रविष्ट होता है उसमें किसका यंत्र कौन सा यंत्र यूज करते हैं, वो समदर्श है। बोला गया है कि त्वचा मांस स्नायुगत शल्य निर्धारण में समदर्श यंत्र यूज होता है।
नेक्स्ट है कि स्थूल अनुसम विषम पारी के रोगी में कौन सा बंध योग ज्ञात या योजिम है, कौन सा समूह शरीर के त्रिस्थूल कहे गए हैं, तो वात पित्त कफ है, वात पित्त कफ को त्रिस्तंभ भी कहा गया है। रक्त का स्वरूपात्मक लक्षण क्या है, तो अनुतोष्ण शीत है, ना ज्यादा उष्ण ना ज्यादा शीत, तो इसे बोला गया कि अनुष्ण शीत अनुष्ण शीतम मधुरम स्निग्धम रक्त वर्णत चोणितम गुरु विश्रम सियाद विदाहश्चयाम। नेक्स्ट है इसमें कि पकवाचे से जो निकलता है साम वो असाध्य कौन सा होता है, तो उसको बोलते हैं पुलाकोदा। इसी में हम बताते हैं कि अगर रक्ताशय से निकलता है तो शारोदक कहते हैं, और आमाशय से या त्रिक संधि से निकलता है तो उसे कलायम भोनी कहते हैं। ये सारे असाध्य श्राव है। नेक्स्ट विष्ट धा अजीर्ण की उत्पत्ति में कौन से दोषी प्रधान होती है, तो वात की होती है। अगर विदग्ध अजीर्ण होगा तो पित्त की होगी, आमा अजीर्ण होगा तो कफ की होगी, अगर सम्यक अजीर्ण है तो वात पित्त कफ की होगी। नेक्स्ट कौन सा भगंदर असाध्य होता है, तो वो शतज भगंदर होता है। आचार्य शुश्रुत ने त्रिदोषज और शतज को असाध्य माना है, और बाकी सब जो भगंदर है वो कृच साध्य माने हैं। नेक्स्ट अश्रद्धा का उपद्रव नहीं है, तो उसमें काफी ऑप्शन थे जिसमें से योनि भ्रंश नहीं था, तो यहाँ पर हम बताते हैं कि उपद्रव क्या है अश्रद्धा के, दौर्बल्य सला वातज रोग भ्रम मूर्छा तम तृष्णा धा पांडुत्व और तंद्रा। नेक्स्ट ग्रीवा पृष्ठवंश में कौन सी संधि पाई जाती है, तो प्रतर संधि होगी। नेक्स्ट सद्य प्राणहर मन कौन सा है, तो अधिपति है, यहाँ पर श्रृंगाटक श्रंग अधिपति खंडशिरा हृदय वस्ति नाभि ये सब सद्य प्राणहर है। नेक्स्ट क्या है बहु अर्श पीड़ित रोगी में प्रथम किस भाग के अर्श में शारकर्म करते हैं, तो पहला होता है दक्षिण, उसके बाद होता है वाम, उसके बाद पीछे और फिर उसके बाद आगे। श्रोत में कितने प्रकार के मर्म स्थित होते हैं, तो वो आठ होते हैं, मूत्रवह शुक्रवह मुष्कवह मूत्र प्रसेद सेवनी योनि गुद बस्ती। नेक्स्ट दिनचर्या विधियों में आंखों का स्वास्थ्य के लिए क्या उत्तम है, तो प्रतिमर्शन से पादाभ्यंग शीत जल शीर स्नान ये सब आंखों के लिए हितकर है। अगर दुर्विरेचित व्यक्ति में विरेचन से पूर्व कौन सा कर्म करना चाहिए, तो अवस्थापन बस्ती करना चाहिए। नेक्स्ट है कि इसमें वस्ती की मात्रा कितनी होती है, तो 1/4 ऑफ निरुवस्ती है। अगर पूछा जाता मात्रा वस्ती की कितनी मात्रा है, तो वो 1/4 ऑफ अनुवस्ती होती है। दृष्टि का प्रमाण क्या बताया गया है, कृष्ण मंडल का 1/7 भाग। शिरोपाद का वर्णन किस रोग में किया गया है, तो वो है सर्वगत। अभिष्यंत चार होते हैं, अधिमंत चार होते हैं, अशोक अक्षिपाक हताधिमंत वातपर्य शिराहर्ष अम्ला विभूषित शिरोत्पात शुष्क अक्षिपाक और अन्य तो वात, ये सब सर्वगत में आते हैं। नेक्स्ट है श्लेष्म बदग्ध दृष्टि रोग के लिए असत्य कथन क्या है, तो उसमें था कि रात्रि में देखने में कठिनाई नहीं होती जबकि होती है, ये अकथन जो असत्य था ये कथन। नेक्स्ट है इसमें कि नस्यकरण से के बाद कौन से शिर रोग के लक्षण में वृद्धि होती है, तो शतज रोग है जिसमें कहा गया है कि स्वेदन वमन धूम्रपात नस्य और रक्त मोशन से बढ़ता है। नेक्स्ट है सततम अध्य क्षति, इसका मतलब होता है कि सदा नीचे मुख कर सोना, ये किस ग्रह बाधा का लक्षण है, तो ये अंधपूतना है। सुश्रुत के अनुसार किसके चिकित्सा से पहले मतलब दुग्ध से योनि स्वेदन करने के लिए कहा है, तो वात योनि है। फिर नेक्स्ट है इसमें कि मूत्रोपघात का प्रकार नहीं बताया गया है, तो शोणित नहीं, इसमें आठ प्रकार बताए, वातल पत्थर कपर संधिघात अभिघात शक्रत अश्मरी अशर्करा। नेक्स्ट है हृष्ट रोमा किस प्रकार के मूत्र प्रश्न का लक्षण है, तो वो कफज का है। हृष्ट रोमा का मतलब होता है कि देह में रोमांच होना, और इसके लक्षण है रोगी को मुश्क मेहन और बस्ती में गुरुता होती है।
इसके बाद है कि अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह से 11 क्वेश्चन आए थे। पहला क्वेश्चन है कि रंजक पित्त कहाँ स्थित है, तो आमाशा में है। अगर यीशु से पूछता तो यकृत अपने लीहा में होता और शारंगदेव पूछते यकृत में होता। किस प्रकार के नस्य की बस्ती के समान प्रशंसा की गई, तो प्रतिमर्श नस्य की प्रशंसा की गई है। नेक्स्ट ये श्लोक है जो कफज मूत्र क्रश का है कि कव्य वमनम स्वेदम तीक्ष्ण उष्ण कटु भोजनम यवनाम विकृति क्षारम कालेशयाम च शीलियेत बागभट किस व्याधि का चिकित्सा सूत्र है। ठीक है, एक इसका होता है कफज मूत्र क्रश का। शीजल सब बच्चों में किस कारण से होता है, तो स्त्री दोष स्तन की दृष्टि से होता है। बाल शोष चिकित्सा में वर्णित जो लाक्षादी तैल है उसमें घटक द्रव्य क्या है, तो वो मत्सु है। बच्चे में होने वाला मात्र का दोष किसके दूषित होने पर होता है, तो रक्त कफ से होता है। बागवत ने जो तृतीय पटल आश्रित बताया है शतज शुक्र जिसमें हम सब दंश कहते हैं, तो असाध्य है। यहाँ पर अगर प्रथम पटल होता तो कष्ट साध्य होता, अगर द्वितीय पटल होता तो वो यापले होते। यहाँ पर हमसे पूछा गया कि तृतीय पटल कैसा होता है शतज शुक्र में, तो वो असाध्य होता है। अगर ये नेक्स्ट में सूक्ष्म अक्षेपाप में किस दोष का प्रधानता है, तो वात पित्त की है। जीवागत रोग की संख्या कितनी बताई गई है, 6 बताई गई है। कौन कौन से होते हैं, वो जीवा कंटक वात पित्त कफज होते हैं, अलास उपजीविका और अतिजीविका। अरुण वर्ग का आतव किस दोष की दृष्टि करता है, तो वो दोष होगा अगर पीत वर्ण होता तो पित्त, पांडु वर्ण होता तो कफ। नेक्स्ट इसमें कि आतव जो लो गंधी होता है वो कौन सा होता है, अश्रद्धार, तो वात अश्रद्धार होता है। पित्त लो गंधी होगा दुर्गंध होता है, और एक दोष है वो दो दोषों की प्रीडोमिनेंस रखता है। नेक्स्ट इसमें काश्यप संहिता, उसमें 8 क्वेश्चन पूछे गए थे। प्लीहा वृद्धि की चिकित्सा में विशेष योग क्या है, तो वो गुरुची स्वरस के सिद्ध हुआ माहिष ग्रंथ यूज होता है इसमें। शीत द्वेष कौन सी स्तुति का जोर का लक्षण है, तो वो वातज स्तुति का जोर हुआ। राजत्याग का उपयोग कहाँ हुआ है, तो बंध्यत्व में हुआ है। ऋतुमती स्त्री के लिए क्या का निषेध बताएगा, तो वमन होगा। किस अध्याय में 5 भौतिक तैल का निर्देश किया गया, तो वो षड् कल्पना अध्याय है जिसमें चतुष्टय कटक फल पुष्प खरीद की गोरोचन रसांचन इनका वर्णन किया गया है। जो 5 भौतिक तैल होता है वो सर्वे पंच इंद्रिय विवर्धनम कहा गया है इसे। नेक्स्ट है कौन से माह में गर्भ वेदना का अनुभव करने लगता है, तो वो तृतीय मास होता है जिसमें चेतना गर्भ स्पंदन सर्वांग अवय व सर्वेंद्रिय का भी लक्षण मिलता है। नेक्स्ट है जिस स्त्री का गर्भ के देहांग प्रकट हो जाते हैं और उससे पहले अगर गर्भ मर जाता है तो वो दुर्धरा जातारिणी होती है। इसमें नेक्स्ट है कि बृहत घन और स्थिर मूल लक्षण कौन से माह के दंत उत्पत्ति में मिलते हैं, तो 8वें माह में है। शारंगधर संहिता में 4 क्वेश्चन आए हैं कि तंडुल जल जब निर्माण करता है तो जल और तंडुल का अनुपात क्या होता है, 8:1 होता है। लवण भास्कर चूर्ण में कितने प्रकार के लवण हैं, तो 4 प्रकार के हैं। पीड़ित मुद्रा गंधवर्ण रसोद्भव किस का सिद्ध लक्षण है, तो वो अगले का है। पीड़ित मुदक मतलब हम जब उंगली से दबाते हैं तो उसमें उंगली के निशान मिलेंगे, और गंधवर्ण रसोद्भव होगा उसका। नेक्स्ट इसमें दोष हग्न मुख लेखा प्रमाण कितना, 1/4 अंगुल बताया है। इसी में हम बताते हैं कि विषग्न मुख लेप 1/3 अंगुल मोटाई होती है, और वर्णीय कर मुख लेप की 1/2 अंगुल मोटाई होती है। तो कुछ भी पूछ सकते हैं इसमें, आप ध्यान दीजिएगा। भाव प्रकाश संहिता से 2 क्वेश्चन आए हैं जिसमें महामेधा और मेधा का प्रतिनिधि द्रव्य पूछा है, जिसमें शताब्दी मूल होगा। उपकुलीय जिसका पर्याय तो पिपली का होता है। द्रव्य गुण के 3 क्वेश्चन आए हैं, इसमें पूछा गया है कि एंटी मलेरियल एक्टिविटी कौन से प्लांट में होती है, तो आर्टिमेसिया एनुआ होता है वो। एलेनिटिस एजेटिका का किसका बोटैनिकल नेम है, तो इंगूटिका है। योलिन जो गुरुची से निकलता है उसे हम कौन से केमिकल ग्रुप में रखें, तो ग्लूकोसाइड होगा। नेक्स्ट इसमें रसायन के 4 क्वेश्चन आए हैं, इसमें रस लग्न समुच्चय के अनुसार हिंगुल लाक्रष्ट रस जब निर्माण करते हैं तो कौन सा यंत्र यूज होता है, विद्याधर यंत्र है, नीर रहता त्रिदोष शांति प्रदा पारक जारणी
किसके लिए कहा है? तो स्फटिका के लिए कहा है। सगल, पीतवंश, भदीद, गुर्जर, मंडलिनी किसके लिए कहा है? वृद्धाश्रम। रियलकर का नाम क्या है? आर्सेनिक डाइसल्फाइड। नेक्स्ट प्रश्न, एक क्वेश्चन है कि पतंजलि योग के अकॉर्डिंग क्रिया योग क्या है? तो तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान इसमें यूज मतलब कंसिडर्ड है। 10 क्वेश्चन मॉडर्न के हैं कि गिल्बर्ट सिंड्रोम किसका मतलब किसका डिसऑर्डर? तो गिल्बर्ट मेटाबॉलिज्म। इसमें रिफ्रैक्टिव एरर नहीं है, तो चेस्ट बायोपिया है, नहीं था। सब्जेक्टिव टिनिटस के कॉज क्या है? तो पेटुलस स्टेचियन ट्यूब इसका कॉज है सब्जेक्टिव का। ओरल हाइपोग्लाइसीमिक ड्रग ग्लिबेनक्लामाइड है। परमानेंट हियरिंग लॉस अगर हो जाती है तो किसकी वजह से होती है? कंटिन्यू एक्सपोजर टू नॉइज अराउंड 100 डेसिबल अगर आप इसके आसपास रहते हैं कंटिन्यू तो आपकी हियरिंग लॉस हो जाए। ऑप्टिक स्पॉट मीजल्स में दिखता है, प्रोटोमल स्टेज में। क्रेनियो साइनोस्टोसिस किसको रेफर करता है? कि अगर हेड सर्कमफेरेंस 2Z सो अगर मीन फॉर एज हाइट एंड जेंडर से ज़्यादा हो तो क्रेनियो साइनोस्टोसिस होगा। नेक्स्ट है कि डिफेक्टिव डार्क एडेप्टेशन किसका क्लिनिकल फीचर? तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी है। नेक्स्ट है इसमें कि कौन सा स्टेज है हेड इंजरी की जिसमें ग्लास गो कोमा स्कोर 14 और 15 होता है विद लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होती है? तो माइल्ड हेड इंजरी है। नेक्स्ट है कि SGOT से क्या होता है? डिफ्यूज लिवर सेल नेक्रोसिस एक्यूट MI डैमेज होता है। अगर SGOT आपका मतलब फैक्टर है तो स्पेसिफिक फॉर डिफ्यूज लिवर सेल डैमेज CCKM है तो एक्यूट MI और स्केल्टन मास इंजरी होगी। अमाइलेज अगर अपाई फैक्टर है तो एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस होगा। थैंक यू फॉर व्यूइंग माई वीडियो। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।